पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार दिल्ली। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस श्रृंखला के सातवें दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि एक्सपर्ट प्रणम सागर जी महाराज की जय। हमने कल 10 में से 5 इंद्रिय प्राणों को सशक्त किया था। आज हम बाकी के 5 प्राणों को प्राण दान देने की प्रक्रिया सीखेंगे। रिद्धि मंत्र के साथ अपने बल प्राणों को मजबूत करके एक नए आत्मविश्वास की स्फूर्ति का संचार अपने अंदर करेंगे। आगे 3 बलों को और बलवान बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले मनोबल। आंखें बंद करें, लंबी श्वास लेकर हृदय में श्वास भरें, आंखें बंद रखें। अपने मन को बलवान बनाए रखने के लिए विचार करेंगे, क्योंकि मन विचारों से ही सशक्त होता है और विचारों से ही दुर्बल हो जाता है। हम वह सशक्त विचार करते हैं जिससे मन को एनर्जी मिलती है, मन का बल बढ़ता है। मैं दुनिया में अकेला हूँ, सशक्तता से बोलें। हर आदमी को अकेला समझने में डर लगता है, अपने अंदर महसूस करें, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा किसी भी चीज़ से कोई मूर्छा भाव नहीं, ममत्व भाव नहीं, अटैचमेंट नहीं, मैं बाहर की किसी भी चीज़ से अपने मन को दुर्बल नहीं बनाना चाहता हूँ। कोई भी संबंध, कोई भी व्यापार, कोई भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं मेरे मन को परेशान नहीं कर सकती। मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा व्यापार जैसा भी है या नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं अपने मनोबल प्राण से जी रहा हूँ। मैं अपने घर की समस्याओं से परेशान हूँ, पत्नी से, बच्चों से, खर्चे से, व्यापार से, वो सब समस्याएं मेरी बाहर की हैं। मैं सिर्फ मन हूँ, मेरा मन किसी भी चीज़ को मेरा नहीं मानता, बाहर का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं, मैं मन से बलवान हूँ। जो मन से बलवान हैं, मैं उनको नमस्कार करके उनकी एनर्जी को अपने में लाता हूँ। ऋणमो मण बलीणम, ये रिद्धि मंत्र है, इसका स्मरण करें। ऋणमो मण बलीणम, ऋणमो मण बलीणम। अपने मन को बाहर की हर परिस्थिति से हटा दें। मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ, मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ, मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ। मैं केवल अपने 10 प्राणों से जी रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। सिर्फ इतना महसूस करके अपने मनोबल को बढ़ाएं। जो भी लोग
सुसाइड करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनका मनोबल धीरे धीरे गिरता जाता है, इसी कारण से वो इस स्थिति तक पहुंचते हैं। उस स्थिति को न हम प्राप्त हों इसलिए पहले से प्रैक्टिस करें। दूसरा, वचन बल बढ़ाने के लिए अपनी जिह्वा को अपने तालु पर लगाएं, जिह्वा को अपने तालु पर लगाएं ऊपर की ओर, और दो मिनट के लिए एक गहरे मौन में बैठ जाएं। कोई भी विचार नहीं, कोई भी बाहर की चीज़ हमें सुनने में भी आए तो उस पर ध्यान देना नहीं, सिर्फ हमें शून्य महसूस करना है भीतर। दो मिनट के लिए बिल्कुल शांत मौन, आंखें बंद। जिह्वा को ऊपर लगाए रखें। एक मिनट आपका हुआ है, एक मिनट मन ही मन रमो वच बलिडम, भीतर ही भीतर जो वचन बल से संपन्न ऋषि मुनि हैं उनको स्मरण में रखने के लिए यह ऋद्धि मंत्र, रमो वच बलिडम। मन ही मन जिह्वा ऊपर तालु से लगी रहे, सिर्फ मन ही मन स्मरण करना है, रमो वच बलिडम। ओम अरहम नमः। अपने काय बल को बढ़ाने के लिए अपनी मुट्ठियों को जोर से बांधेंगे, ऐसे करके पूरे शरीर को श्वास लेकर के एकदम से अकड़न की स्थिति में ले आएंगे, पूरा शरीर टाइट कर लेंगे और अंदर ही अंदर जितनी देर तक टाइट रखें उस नमो काय बलिणम, नमो काय बलिणम, पूरे शरीर को, पंजों को, पैरों को, पूरे चेस्ट को, पूरे शरीर को ऐसे बांध के रखें और मनी मन नमो काय बलिडम जितनी देर रोक पाए, फिर छोड़ दें आप अपने आप को ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। फिर करें पूरी श्वास बल लें, नमो काय बलिडम, पूरे शरीर के अंदर टाइटनेस, नमो काय बलिडम, मनी मन नमो काय बलिडम, नमो काय बलिडम, रिलैक्स। पांच बार करें, पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, एक एक मसल, एक एक वैन, एक एक सेल के अंदर एनर्जी पहुंचेगी। हाँ, फिर से करें, नमो काय बलिणम, जहां रोग हैं हर स्थान पर ध्यान दें, वहां तक हमारा मन पहुंच रहा है, टाइटनेस आ रही है, छोड़ दें। पांच बार नमो काय बलिडम। रिलैक्स, आंखें बंद रखें, अपने आयु प्राण पर ध्यान दें। प्रति समय मेरा आयु कर्म खिर रहा है, जैसे दीपक की लौ जलती रहती है, तेल उसमें हर समय जलता रहता है, ऐसे आयु कर्म हमारा जल रहा है। मेरी आयु धीरे धीरे चुक रही है, पूरी हो रही है, इस आयु का घात न हो इसलिए मैं शांत मन होकर के अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस करता हूँ।
आयु बल प्राण के लिए संकल्प लेता हूँ, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूँगा, मैं कभी जहर नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी भी तरह की सुसाइड करने के लिए प्रयास न करूंगा, न मुंह से बोलूंगा। प्रत्येक घर में हर एक व्यक्ति को अपने मन से यह संकल्प लेना है कि मैं किसी को धमकी भी नहीं दूंगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इस तरीके की मैं कभी धमकी भी नहीं दूंगा, न बच्चा न बड़ा, न पति न पत्नी। ये संकल्प, जो चीज़ हमारे मुंह में एक बार आती है वो विचारों से आती है और वो कभी ना कभी क्रियान्वित हो जाती है, इसलिए इस पाप भाव को भी कभी नहीं करना। इस तरह का हमारे मन में संकल्प लेना, ये हमारे आयु बल प्राण को बनाए रखेगा। कोई भी परिस्थिति हो, मैं मरूंगा नहीं, मरने की धमकी दूंगा नहीं, और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये अंतिम प्राण है, इस प्राण को भी हम देखेंगे। हमारे सिद्धांत शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्वास और निश्वास ये दो चीजें हमारे अंदर आती हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो आहार वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं, जिसके माध्यम से ये शरीर बना हुआ है। उस शरीर को चलाए रखने के लिए जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो हमारे लिए श्वास और निश्वास के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो हम उस श्वास को अच्छे ढंग से ग्रहण करेंगे, मुट्ठी बनाएं, इस तरीके की पोजीशन में आए, ऊपर हाथ करेंगे तो अरहम बोलेंगे, और जब नीचे झटके से श्वास छोड़ेंगे तो नमः बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ऊपर हाथ करें, अरहम नमः, 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 अरहम नमः। रिलैक्स महसूस करें, आपके 10 प्राणों को प्राण मिल चुके हैं। ये प्रोसेस आप अलग से भी कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ें, एक मंगलमयी प्रार्थना करें। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप न होवे, भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अपनी दोनों हथेलियां घिसेंगे, आंखों पर रखेंगे और धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलेंगे। ओम अरहम परम शांति ही, पूरे शरीर में अपने हाथों को टच करेंगे, ओम अरहम परम शांति ही, ओम अरहम परम शांति। आज और कल के ध्यान के माध्यम से हमने अपने 10 प्राणों को, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, सशक्त कर लिया है। तनाव,
और आत्मघात जैसे मानसिक रोगों से हमने सदा के लिए विदाई ले ली है। आज हम प्रण लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे, इस बहुमूल्य मनुष्य जन्म को कभी भी नष्ट करने का विचार मात्र भी नहीं लाएंगे और मानसिक तौर पर सदा सशक्त बने रहेंगे। कल के ध्यान में हम अपनी चंचल इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है उसकी कला सीखेंगे और स्वयं को तैयार करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार दिल्ली। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा।